please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के अस्पताल में आतंकी अबू हंजला के फरार होने में सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ होने की बात अब सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू ने अपना एक ऑडियो जारी किया है जिसमें नायकू ने आतंकी को भगाने की घटना की जिम्मेदारी ली है और इस ऑडियो में नायकू ये कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल से फरार लश्कर आतंकी नवीद जट उर्फ अबू हंजला हम तक सही सलामत पहुंच चुका है। HMS श्रीनगर हॉस्पिटल से पुलिस के हाथों से भागने में कामयाब हुआ और जो साथी इस मिशन पर इस काम के लिए वहां गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अल्लाह के फजल व करम से बहिफाजत हमारे पास पहुंच चुके हैं। ना करे अगर कश्मीर में मुजाहिदीन खत्म हो जाएंगे फिर आप देखना कि हिंदुस्तान कश्मीर के साथ क्या क्या करेंगे। तो बताएं कि जम्मू कश्मीर के अस्पताल से आतंकी अबू हंजला के फरार होने का सीधा कनेक्शन अब पाकिस्तान से ही नजर आ रहा है। ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है क्योंकि ये जो ऑडियो हमने आपको सुनाया इसमें क्लियर ये बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू ने अपना एक ऑडियो जो कि हमने आपको भी सुनवाया वो जारी किया है जिसमें आपने सुना कि उसने क्लियरली ये बात कही कि आतंकी को भगाने की घटना की जिम्मेदारी ले रहा हूं। और इस ऑडियो में नायकू ये भी कहता हुआ सुनाई दिया कि श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल से फरार लश्कर आतंकी नवीद जट उर्फ अबू हंजला हम तक सही सलामत पहुंच चुका है। हमले में दो पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उसने ये भी कहा कि हमें एक पाकिस्तानी भाई को आज़ाद कराने के लिए अपने दो कश्मीरी भाइयों को मारना पड़ा, इसका जिक्र भी उसने इसमें किया है और इस पर दुख भी उसने जताया है। ऑडियो में नायकू ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी का राग अलापते रहेंगे, यही बात उसने यहाँ पर कही है। HMS श्रीनगर हॉस्पिटल से पुलिस के हाथों से भागने में कामयाब हुआ और जो साथी इस मिशन पर इस काम के लिए वहां गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अल्लाह के फजल व करम से बहिफाजत हमारे पास पहुंच चुके हैं। ना करे अगर कश्मीर में मुजाहिदीन खत्म हो जाएंगे फिर आप देखना कि हिंदुस्तान कश्मीर के साथ क्या क्या करेंगे। संदीप बोले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप इस ऑडियो की पुष्टि क्या की गई है कहीं से? इस तरीके की ऑडियो जो है लगातार जारी होते हैं हालांकि पुष्टि करने के लिए ये सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वही इसकी पुष्टि कर पाएंगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन जिस तरीके से नायकू ने ये ऑडियो जारी किया है और उसने कहा है कि जो नवीद है जिसको कि आतंकियों ने छुड़ाया था और जिसमें दो पुलिस वालों की जान गई थी वो सही सलामत पहुंच गया, यानी कि ये प्री प्लान तरीके से जो है ये पूरा साजिश रची गई थी उस आतंकी को छुड़ाने की और अब वो सीधे तौर पर ऑडियो जारी करके इस बात को दोहरा रहा है कि वो अपनी जगह सही जगह पहुंच गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये इसमें सुरक्षा की चूक तो भली कही जा रही थी लेकिन ये एक प्लान तरीके से किया हुआ एक कह सकते ऑपरेशन था जो कि आतंकियों ने किया और अपने साथी को छुड़ाने में जो है कामयाब हुए। प्लान तो था ही संदीप क्योंकि जिस तरीके से आतंकी बकायदा वहाँ पार्किंग में मौजूद थे और जिस वक्त पुलिसकर्मी उस आतंकी को लेकर अंदर अस्पताल में घुसे और उसी वक्त उन्होंने हमला कर दिया। बिल्कुल, देखिए ये एक दिन की मतलब रिसर्च के लिए नहीं होता क्योंकि जब भी इस तरीके का मौका एक आतंकी तलाशते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर देखते हैं जहाँ पे की भीड़ भड़ाका हो। अगर इस तरीके से क्योंकि वहाँ पे पुलिस जो है जवाबी का फायरिंग करने में असमर्थ होती है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उन्होंने अस्पताल को चुना और वहाँ से भाग निकलने के लिए प्रॉपर तरीके से जो है गतिविधियां जरूर देखी गई होंगी कि जेल से किस वक्त गाड़ी आती है कौन कौन अंदर जाता है, तो ये प्लान पूरा प्लान था, इसी वजह से आतंकी जो है वो भागने में कामयाब हुआ। बिल्कुल, चार साल पहले जिसको अरेस्ट किया गया था नवीद और वही फरार हुआ और इसको लेकर अब इस पे आतंकियों ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि नवीद हम तक पहुंच चुका है।